दोस्तों हम सब जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर जीरो अगर हम करते हैं तो आंसर वन आता है, चाहे आपका नंबर कुछ भी हो, एक नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जो देखिए आपसे कोई बोलता है कि दो की पावर जीरो कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, वन होती है। अगर मेरा बेस नेगेटिव है माइनस फाइव की पावर जीरो, तो बच्चों तब भी ये वन ही आएगा। चाहे मैं बोलूँ रूट सेवन की पावर जीरो, तब भी आंसर कितना आएगा, वन आएगा। या मेरा नंबर फ्रैक्शन में हो, माइनस वन अपॉन टू की पावर जीरो भी कितना आएगा, वन आएगा। ये बात सबको पता होती है, लेकिन होता क्यों है ये, किसी भी नंबर की पावर जीरो वन की होती है, ये हमें नहीं पता होता है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी नंबर की पावर जीरो वन की होती है, लेकिन हाँ इसमें एक एक्सेप्शन होता है, जीरो की पावर जीरो वन नहीं होती है। और मैं आपको यही बताऊंगा कि जीरो की पावर जीरो वन क्यों नहीं होती है। बस आपको एक काम करना है, आपको इस वीडियो को ना एंड तक देखना है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी नंबर की पावर जीरो वन के इक्वल क्यों होती है। मानिए दोस्तों वो नंबर ए है, तो ए की पावर जीरो वन की होती है। अब मैं आपको ये बताता हूं, तो सुनिए, जैसे ए की पावर जीरो है, तो जीरो को आप क्या लिख सकते हो, एन माइनस एन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एन माइनस एन कितना होता है, जीरो होता है। तो ए की पावर जीरो को आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर एन माइनस एन। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वो फॉर्मूला क्या होता है कि a की पावर m अपॉन में a की पावर n क्या बन जाता है, a की पावर m माइनस n। ये मैथमेटिक्स का एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि अगर दो नंबर डिवाइड में होते हैं और उनका बेस सेम होता है तो उनकी पावर ना माइनस हो जाती है। अब इसका उल्टा भी वैलिड है, आप a की पावर a माइनस n को ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर m अपॉन में a की पावर n। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो देखिए बच्चों ये क्या बनेगा, a की पावर n अपॉन में a की पावर n, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब आपका जो न्यूमरेटर है वो a की पावर n है और डिनोमिनेटर भी कितना है, a की पावर n है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए यहां से क्या रिलेशन आ गया कि a की पावर जीरो कितना होता है, वन होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है, और वो क्या होता है कि जीरो की पावर जीरो वन नहीं होती है। अब हम सीखते हैं कि जीरो की पावर जीरो वन क्यों नहीं होती है। तो देखिए बच्चों, जैसे आपका a जीरो हो जाएगा, आपका a क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहां पर ना जीरो की पावर n बन जाएगी, और जीरो की पावर n तो जीरो होगी, और जैसे ही डिनोमिनेटर में आपका जीरो आ जाएगा फिर वन के इक्वल नहीं आएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जीरो की पावर जीरो वन नहीं होती है, क्योंकि जब जीरो की पावर जीरो आप फाइंड करोगे तो हमारा डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, और फिर वो वन के इक्वल नहीं आएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि जीरो की पावर जीरो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। क्या होती है, अनडिफाइंड। तो आप ये बात कह सकते हो कि a की पावर जीरो हमेशा वन होती है, बस एक कंडीशन होती है, जो हमारा a है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा जो आपको आज तक नहीं आता था। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।